दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है मेघाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को पढ़ते और समझते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि बादल बहुत ही सज धज कर आए हैं। इन बादलों के आने पर इनके आगे आगे हवा भी चल रही है। गांव की गलियों में दरवाजे और खिड़कियां खुल गई हैं। गांव में मानो ऐसी खुशहाली छाई हुई है जैसे कि गांव में शहर से कोई गांव का दामाद वापस आ गया हो। बादल बहुत ही सज धज कर आ गए हैं। पेड़ झुक झाकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि बादलों के आने पर पेड़ जो कि झुके हुए थे वह भी अपने सिर को उठाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गांव में कौन आ गया है। गांव में आए उस मेहमान को देखने के लिए गांव की औरतें अपने घूंघट में से अपने चितवन उठाती है। बादल बहुत ही सज धज कर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीन्ही बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस कविता में रूपक बांधा है जिसके तहत आए हुए बादलों की तुलना गांव के किसी दामाद से की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि गांव के दामाद के आने पर गांव के बड़े बूढ़े आगे आकर उनका अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत समय के बाद हमारी सुध ली है। तभी गांव के दामाद की पत्नी व्याकुल होकर दरवाजे की ओर से बोल पड़ती है कि अब के बरस आप आए हैं बहुत सज धज कर। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु धर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि मकान के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर बहुत जोर से बिजली चमकती है और आए हुए उस दामाद की पत्नी उससे कहती है कि हे प्रियतम, मुझे माफ कर दो, मुझे यह भ्रम हुआ था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, लेकिन अब यह भ्रम दूर हो गया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दामाद की पत्नी कहती है कि इस बार बादल यानी उसका पति बहुत ही सच धज कर आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारी चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली एक नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखे। धन्यवाद।